मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरा जो काम है बेसिकली वो इम्बैलेंस ऑफ इकोलॉजी को लेके है कि नेचर में हर चीज़ हमारे साथ है पर हम उसको कितने हर दिन उसको दूर कर रहे हैं। जैसे अर्बनाइजेशन ग्रो हो रहा है तो स्पेसेस ख़त्म हो रहे हैं, फार्मलैंड ख़त्म हो रहा है, एक ब्रीथ स्पेस ख़त्म हो रहा है, तो वो जो उसकी वजह से जिस चीज़ों पे उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो जो हमारे अराउंड थी अब जो नहीं है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स हैं मेरे। उसमें वो खेती भी है, उसमें वो जानवर भी है, उसमें कीट भी है, उसमें पोल्यूशन भी है, सब कुछ इंक्लूड है अर्बनाइजेशन को लेकर। बेसिकली ऐसा कोई ऐसा अटेंशन नहीं है चूज़ करने का, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ जैसे कि कुछ पता होता है सडनली इन अनकॉन्शियसली चीज़ें आपको अवेयर होते हो कि आपको यही करना है। तो आर्ट भी उसी तरीके से लाइफ में है मेरे कि जब हम लाइक गांव में थे तो तब से जो भी फॉर्म है ड्राइंग्स के हमेशा अक्सर वही बुक्स पसंद आते थे जिसमें ड्राइंग बनाना है। सपोज़ साइंस की बुक हमेशा अट्रैक्ट करती थी क्योंकि उसमें ड्राइंग बनाना है, मतलब उसको समझने से ज़्यादा उसकी ड्राइंग को देख के ग्रो किया कि आर्ट मतलब ड्राइंग जहाँ करनी पड़ेगी वही सब्जेक्ट चुनना है। तो इस तरीके से ग्रो हुआ। फिर उसके बाद सडनली पता चला कि इसका एक कॉलेज भी होता है जहाँ आर्ट की पूरी आप एजुकेशन भी ले सकते हो। उसके बाद फिर मैंने उस सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू किया कि आर्ट में ही अपना करियर चुनना है क्योंकि वही पैशन है, उसके अलावा और कुछ मतलब समझ में तो ठीक है बट करना नहीं है वो चीज़। आर्ट सबसे ज़्यादा मतलब एक पैशन के तरीके से है वो। ये एक्चुअली बचपन से मैं करता था, जैसे कि कॉपियों के जिल्द को फाड़ के, हमारे घर के बगल में गंगा नदी है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उनके बहुत बहुत दूर तक रेत के घाट होते हैं, तो उनमें बड़े बड़े स्टिक्स से ड्राइंग कर रहे हैं, फिंगर से बड़ी बड़ी ड्राइंग्स कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सप्लोर नहीं, कुछ नहीं पता ऐसा अभी, स्टिल अभी भी वाटर कलर पेंसिल ये सब अभी भी कोई नहीं जानता वहाँ पे क्या चीज़ है ये आर्ट वर्क। तो हाँ, वहाँ पे छोटे छोटे सैंड के स्कल्पचर्स बनाते थे, तो वो सारी चीज़ें मेमोरी में थी कि हमेशा यही चीज़ अट्रैक्ट करती थी जिसमें आर्ट हो। तो गाँव से एक पैटर्न चलता है, जैसे कल्चरली हमारे यहाँ पे एक चीज़ होती है छठ पूजा, तो उस टाइम में क्या होता है 6-7 दिन पहले हर एक बंदा क्राफ्ट से कुछ बनाता है, एक गंगा को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें छोटा सा एक कैंडल जलाते थे, तो हर बंदा अपना बेस्ट करता है उसमें। तो वहाँ स्ट्रक्चर्स से बना के वो बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाते थे, तो हाँ बहुत लोगों को अपने बुज़ुर्गों को उस तरीके से करते देखा था, तो वो भी एक चीज़ थी कि एक साल में एक बार टाइम आएगा जब सब लोग बनाएंगे तो वहाँ पे कुछ क्रिएट करने को मौका मिलेगा। हाँ, बेसिकली इसके साथ एक इमोशंस हैं जुड़े हुए, जैसे कि हम अपनी लाइफ का एक क्वार्टर टाइम अपने गांव में जी रहे हैं, उसमें सब कुछ आपके पास है, सडनली जब आप शहर आते हो तो आपके पास गिने चुने 2-3 चीज़ें रह जाती हैं, और फिर पता चलता है उनके लिए कोई हैबिटेशन के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। तो वो रिएक्टिव था मेरा, मतलब वो एग्रेशन भी था, वो सब कुछ था, बट उसको मैंने समझा कि ये क्यों हो रहा है। देन उसके बाद इसके ऊपर पूरी रिसर्च मेरी है अभी जो मैं अभी कर रहा हूँ कि ये क्यों ख़त्म हो रहे हैं। इमोशंस भी था इसको, जिस भी घर में यहाँ पे, जैसे कलाधाम में आया यहाँ पे 2017 में, तो यहाँ पे जो भी अबेंडेंड स्पेसेस थे जो बन चुके हैं बट उसका यूज़ कुछ नहीं है अभी, वो बंद है, तो उसमें मैंने किसी तरीके से एंटर किया तो देखा वहाँ पे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स बर्ड्स मरे हुए हैं जो कि इंटेंगल्ड तरीके से अंदर तो चले गए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की, तो ऐसे ऐसे जो भी स्पेसेस है वहाँ पे मैं सर्वे करके उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके और एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डील करके उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेके उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करके वही अपने काम में यूज़ करना शुरू किया। हाँ, मेरा वर्क ज़्यादातर बेसिकली डायरेक्ट काम है कि जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मेरे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं अभी करंट सिचुएशंस में कि वो क्यों टारगेट है, उसका रीज़न क्या है, वो ख़त्म क्यों हो रहे हैं, तो उन सब सारी जैसे मैंने 12 साल से इन सब सारी चीज़ों को जमा करना शुरू कर रखा है, तो उसकी मेरे पास एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है जैसे ये है सामने, इन सबों में मैंने वो छोटे छोटे उनके जो कार्कस होते हैं स्केलेटन बोन्स होते हैं वो सारे जमा करके रखे हैं ताकि मैं उनको एक ऐसा आर्काइव के तरीके से भी देख रहा हूँ कि वो उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने की है।
बेसिकली वो चाहते नहीं थे कि मैं आर्ट फील्ड में आऊँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है आर्ट करना है या आर्टिस्ट बनना है। बिहार में ज़्यादातर सिविल सर्विस या तो IAS क्लियर कर लो या तो गवर्नमेंट कोई अच्छी जॉब कर लो। तो बट उस चीज़ से फाइट करके मैं भागा वहाँ से, मैंने अपना फर्स्ट ईयर बीकॉम छोड़ के मैं भाग गया वहाँ से। 2010 में जब मैंने बिहार छोड़ दिया था तो मेरे को ये पता था कि दिल्ली में कुछ एनिमेशन होता है, बस इतना पता था, जिसमें ड्राइंग बनाया जाता है, दैट्स इट, इतना ही सब कुछ पता था। हाँ, उसके बाद जो मैंने कोशिश की, देन उसको दिल्ली कॉलेज में मेरा एंट्रेंस दिया, वहाँ पे मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। देन उनको लगा कि ठीक है, थोड़ी जर्नी आगे जैसी बढ़ी तो उनको भी लगा इसमें कुछ स्कोप है, क्योंकि वो आउटपुट अपने आप आ गया था तब तक। बेसिकली ये एक सिम्बायोटिक अफेयर्स की तरीके से को एग्जिस्टेंस है ये सारी चीज़ें, कि अगर हम रहते हैं तो उन वो भी रहना चाहिए, सिर्फ हम अपने बारे में ना सोचें, एक सेल्फिशनेस के चक्कर में। जैसे एक घर हमारा है, हम कितना स्ट्रगल करते हैं घर के लिए, सेम उनकी भी एक स्टोरी है, उनका भी एक घर था यहाँ, हम उनकी जगह पे हैं, वो हमारी जगह पे नहीं है एक्चुअली। जैसे कोई सांप रैंडमली आ जाता है, हम उसको मार देते हैं, भगा देते हैं, उसको नहीं पता है ये बारे में, बट हमें पता है। तो एग्जैक्टली वो एक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, उस अंडरस्टैंडिंग को समझना है कि आप उस चीज़ को भी सपोर्ट करें जो हमारे पूरे होल इकोसिस्टम का एक पार्ट है, हम उसको क्लोज कर देते हैं उसके लिए डोर हमेशा के लिए। या तो वहाँ पे हम ग्रास उग रहा है तो वहाँ पे हम पार्किंग ब्रिक्स लगा देते हैं कि ग्रास नहीं चाहिए, लेकिन ग्रास नहीं होगा तो वहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं होंगे, इंसेक्ट्स नहीं होगी तो वहाँ का आपने एक पॉइंट, छोटा सा एक भी पार्ट, अगर आपने उसको इम्बेलेंस किया है बेसिकली, आपने उसको ख़त्म कर दिया वहाँ से, वो नेचर से उसका कॉन्टेक्ट ब्रीथ ख़त्म कर रहे हैं आप। फ्यूचर में मेरे प्लान्स है कि कुछ पब्लिक प्रोजेक्ट भी करूं, लाइक क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, उसकी अवेयरनेस को लेके अपने विजुअल फॉर्म में, आर्ट वर्क फॉर्म में, लाइक एक स्ट्रक्चर बिल्ड करूं, उस स्ट्रक्चर के थ्रू पब्लिक को उसमें मूव कराना है, इंटरेक्ट कराना है, इस तरीके से काम करूं, और एक्चुअल जिस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहा हूं उन सब चीज़ों को सपोर्ट करूं। प्लांट्स को लेके बहुत सारे मेरे पास प्रपोजल्स हैं कि प्लांट्स को कैसे और ग्रो करना है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से उनको लोगों से उनकी केयरिंग भी करवानी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे ऐसे।